9 अगस्त जो है, 9th अगस्त, उस दिन हमारी जो बहन है, जो हमारे कोवर्कर है, उनको उनको बहुत ही लाचार अवस्था में उनका रेप बलात्कार हुआ था, फिर उनका कत्ल कर दिया गया था। इन्हें दो बार व्यवहार करो स्टॉपेज क्रीम और नीचे के रखो एवरग्रीन केयाशेट अरोमाथेरेपी स्टॉपेज क्रीम और खुजे पाओ नूतन नामी के। लाचार अवस्था क्यों? जो भी हम लोग बोल रहे हैं यहाँ पे, जो भी 5 दफा डिमांड कर रहे हैं हम, उन सब का जो भी जिम्मेदार है उसके खिलाफ वो आवाज उठाने वाली थी। वो जो एनवायरनमेंट क्रिएट हुआ था उसी की वजह से उनका मुंह बंद कर दिया गया था। उनका जो भी ये मोटिव है अभी तक सीबीआई सामने नहीं ला पाया है। हम सब जो यहाँ पे इस मंच में खड़े हैं वो सब दे जीरो से अपना आवाज बुलंद करके बार बार से एक ही डिमांड, एक ही मांग रख रही है कि अभाया जिनका प्राण चल जा चुका है उनका एटलीस्ट जस्टिस मिले और मुझे एक और बहन को ना देखना पड़े कि वो भी इसी तरह बलात्कार या खून का शिकार हो। इसके लिए ही हम लोगों ने कल 24 घंटे का मोहलत दिया था राज्य सरकार को। 58-59 देखो आके भी अगर हमको 24 घंटे का मोहलत देना पड़ रहा है वो एक तरह से बहुत ही दुखद घटना है। उसके बाद हमने ये बोला था कि हम लोग सब जितने भी हम जूनियर डॉक्टर्स हैं सीज वर पे थे, हम सब अपने ही जितने भी हमारे साथ यहाँ पे इस युद्ध में जो जो खड़े हुए जो जो पब्लिक है उनका उनके बारे में मद्देनजर रखते हुए हम सब सीज वर को रद्द करते हुए काम पे वापस जाएंगे, ड्यूटी करेंगे। लेकिन आंदोलन कभी खत्म नहीं हो सकता, ना ही खत्म हुआ है। इसी आंदोलन का बुलंद करते हुए, नमन करते हुए हम रखना चाहता अपना दावी कि हमारा यहाँ पे आमरण अनशन यानी कि हंगर स्ट्राइक हम लोग अभी से इसी वक्त से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं और इस बात को वापस से मद्देनजर रखा जाए कि हमारे मांगे सिर्फ और सिर्फ दो ही हैं। एक, जो अभया जो प्राण अब तक खो चुकी है उसको जस्टिस मिले, और दो, ऐसा कोई एनवायरनमेंट क्रिएट हो जहाँ एक और अभया नहीं हो पाए। इसी बात का बुलंद करते हुए हम लोग जब अपने अनशन के लिए यहाँ पे प्रोटेस्ट साइट पे आए, यहाँ पे कोलकाता पुलिस ने हमें और हमारे सहकर्मियों को बहुत सारे बाधाएं सृष्टि करने की कोशिश की है। हर एक मोड़ पे कहीं ना कहीं दिखाया गया है कि हम लोगों को बाधा का सम्मुखीन होना पड़ रहा है। हमें हर तरफ से हमारे ही एक स्वास्थ्यकर्मी जो है, हमारे ही जो उन्होंने डॉक्टर जो है उनको लात मारा गया। यहाँ पे जो भी लोग आए हैं बाहर से जूनियर डॉक्टर सीनियर डॉक्टर को छोड़ के नॉर्मल पब्लिक नॉर्मल सिविलियन उनको रोकने की कोशिश कर दिया गया है, फिजिकली भी स्टॉप करने का कोशिश किया गया है, पानी भी लाने के लिए जब वो लोग आए तब उनको रोकने का कोशिश किया है। ये बेसिक ह्यूमैनिटेरियन राइट है हमारा राइट टू प्रोटेस्ट है ये, और हमारा डिमांड भी जो जस्टिस है वो भी बेसिक डिमांड ह्यूमैनिटेरियन है ये। हम अभी फिलहाल ये वापस से घोषणा करते हैं कि हम फिलहाल जूनियर डॉक्टर्स जो है इस आंदोलन में शामिल है और हम हंगर स्ट्राइक करने वाले हैं, और जो भी यहाँ पे नागरिक है वो सारे नागरिक हमारे साथ इसमें जुड़े हैं शामिल हैं। और इसी बात को वापस से मैं दोहराना चाहती हूँ, ये सिर्फ एक आरजी कर इंसिडेंट नहीं है, ये सिर्फ एक हॉस्पिटल का इंसिडेंट नहीं है। हमारे राज्य में जयनगर में एक बहुत ही दुखद घटना क्या हुआ है, उसी से दिखाया जाता है कि सोसाइटी का हर स्तर में हर जगह हर एक गली गली में कोई भी सेफ नहीं है, कोई भी सिस्टम में थ्रेट का शिकार होने का बस यहाँ पे वेट ही कर रहे हैं। थ्रेट कल्चर आज भी आरजीकर में प्रेवलेंट है, आज भी वो लोग वहाँ पे गए हैं उसी एपिसेंटर में जहाँ पे 9 अगस्त को इंसिडेंट हुआ, वहाँ पे लड़ने के लिए हम लोग उनका वेट करते हैं कि वो लोग भी ज्वाइन करेंगे। और हम लोग पूरा वेस्ट बंगाल जूनियर डॉक्टर्स फ्रंट जो कि सारे ही यूनिटी दिखाता है जूनियर डॉक्टर्स में, सारे ही नागरिक का भी सपोर्ट दिखाते हुए हम लोग यहाँ पे हंगर स्ट्राइक स्टार्ट करने वाले हैं अभी से। कौन-कौन यहाँ पे शामिल हैं, कितने डॉक्टर बैठेंगे और कौन-कौन से कॉलेजेस और मेडिकल स्कूल हैं? फिलहाल के लिए हम लोग इन्हें हम लोग फिलहाल डिस्कशन करके आप लोग को बता देंगे। और फिलहाल के लिए छह जन शामिल होंगे, उसमें दोनों जेंडर मेल और फीमेल रहने वाले हैं, फिर उसके बाद का जितनी भी डिटेल्स है वो आपको बताया जाएगा। आपने कहा मंच में सीसीटीवी कैमरा
हम लोग जब हम कोई भी बात रखते हैं उसमें हमेशा ट्रांसपेरेंसी का मांग करते हैं। जो मांग हम करते हैं, जो मांग वो नहीं पूरा कर पाए, वो मांग हम पूरा करेंगे ट्रांसपेरेंसी दिखा के। और हमें ये भी दिखाना पड़ेगा कि हम लोग बस खाली खाली बात नहीं करते हैं। हम लोग यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी दिखा के जो भी हंगर स्ट्राइक है वो मेन बात यही दिखाना चाहते हैं। इसमें हमारे पास कुछ भी छुपाने का नहीं है। जी, सीसीटीवी कैमरा लाइव रहेगा यहाँ पे। हम लोग सब जितने भी 6 जन बैठेंगे उनके ऊपर ताकि कभी भी कोई भी उंगली ना उठा पाए, उसका हम लोग पूरा पूरा देखेंगे। क्या डिमांड है, किस डिमांड को लेके आप लोग ये विद्रोह करेंगे? अगर हम लोग बातचीत है या तो पुलिस अभी ये कह रही कि इलीगल तरीके से यहाँ पे 144 जा रही है, लेकिन आप लोग हम लोग बस यही बोलना चाहते हैं कि लीगैलिटीज का बात जहाँ पे है, जहाँ पे कोलकाता पुलिस का बात है, उनको पहली बात 9th अगस्त 10th अगस्त 11th अगस्त आज भी जयनगर इन सब का बात पहले मद्देनजर रखते हुए कोई भी स्टेटमेंट करना चाहिए। वहाँ पे हम लोग जब जब भी आए हैं परमिशन लिखित लेके आए हैं, उसके बाद भी यहाँ पे रद्द कर दिया गया है। मैं ये पूछना चाहती हूँ किसके पास ये लीगैलिटी हराइट है कि जूनियर डॉक्टर के ऊपर हाथ उठा पाए, लात मार पाए? ये वो पहले बताएं, फिर हम अपना उत्तर देंगे। कुछ लोग बोल रहे हैं कि आप लोग आज से अनशन शुरू करेंगे तो आप लोग ड्यूटी पर फिर से वापस नहीं जाएंगे, आप लोग यही रहेंगे, इसके बारे में? हम लोग 6 जन यहाँ पे बैठने वाले हैं, पूरे बंगाल में इससे भी ज्यादा बहुत से लोग हैं जो भी यहाँ पे, हम लोग सिंबॉलिकली हम 6 लोग बैठेंगे इस आंदोलन को कायम रखने के लिए। और बाकी जितने भी जूनियर डॉक्टर्स हैं वो लोग अपना अपना ड्यूटीज में वापस जाएंगे।